हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 21वां हल करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 21वां है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चार क्वेश्चन में प्रत्येक को यहाँ पर सरल करना है। तो इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम यहाँ पर रफ में कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी संख्या की बात करें इस प्रकार से, यहाँ पर जैसे हम यदि इसी क्वेश्चन को ले लें, जैसे 2/2/3 की घात, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या होती है, ये नीचे की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आधार। नीचे की जो संख्या होती है इसे आधार बोलते हैं। और जो ऊपर की संख्या, जो संख्या के ऊपर संख्या लिखी होती है, इसे बोलते हैं घात। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या होती है वो आधार होता है, और जो ऊपर की संख्या होती है वो घात होती है। जैसे यदि यहाँ पर हम बात करें 7/1/5 की घात, तो 7 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और 1/5 यहाँ पर घात हो जाएगी। इसी प्रकार से 7/1/3 की घात, तो यहाँ पर 7 आधार हो जाएगा और 1/3 क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ पर यदि हम इसी क्वेश्चन की बात करें कि 2/2/3 की घात इंटू, बीच में क्या लगा है? इंटू, ए आई सी को बोल सकते हैं हम गुणा, और 2/1/3 की पावर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आधार क्या हो? समान हो। समान का मतलब क्या है? कि जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही संख्या यहाँ पर लिखी हो। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो यहाँ पर आधार समान है। और जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। बीच में क्या लगा है? यहाँ पर इंटू, या इसी को कह सकते हैं हम गुणा। तो जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ पर जो आधार है 2 बार है उसको हम 1 बार लिखेंगे, और जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी? गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 की घात, और प्लस लगाएंगे 1/3 की घात। इस प्रकार से आपको करना है कि जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या करना है? जोड़ देना है। सिर्फ आपको आधार को 1 ही बार लिख देना है, और जो घातें हैं उनको आपको प्लस कर देना है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो जब भी घातें समान हो, इस प्रकार जैसे आप चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार तो अलग अलग है, 13/1/5 की घात इंटू 17/1/5 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात है समान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/5 की घात यहाँ पर है और 1/5 की घात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार अलग अलग है। तो जब भी आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? घात को हम 1 बार लिख देते हैं और आधार का यहाँ पर गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 13/17, इस प्रकार से यहाँ पर इनका गुणा होगा, और 1/5 की घात, इस प्रकार से हम घात लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आधार अलग अलग हों तो यहाँ पर घात को 1 बार लिख देना है, जो यहाँ पर 2 बार लिखी हुई है, 1/5, 1/5, और इन आधारों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 13/17 और 1/5 की घात, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7/1/5 की घात बटे 7/1/3 की घात। तो यहाँ पर भी तो आधार समान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये भाग में है ना, भाग में। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था कि आधार तो समान थे, लेकिन ये क्या गुणा में थे? ये संख्या क्या किस में थी? गुणा में थी, लेकिन यह संख्या भाग में है। तो जब भी आधार समान हो और भाग में संख्या हो, इस प्रकार से आधार समान हो लेकिन भाग में संख्या हो, तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो आधार को हम 1 बार लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे? घटाएंगे। ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को यहाँ पर घटाएंगे, 1/5 में से हम 1/3 की घात को यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आपको इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आइए हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे 2/2/3 की घात इंटू 2/1/3 की घात, इस प्रकार से।
तो जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार समान है तो आधार को हम एक ही बार लिखेंगे और घातों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, 2/3 की घात प्लस 1/3 की घात, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 पर यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से आप रफ में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का निकाला जाता है, जैसे 3 और 3 है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पर 3 और 3 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो 3 से यहाँ पर भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 3 का 3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 एलसीएम आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर की संख्या, ऊपर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को जाके तय लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाना है और 3 का भाग 3 में देना है, तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस चिन्ह जाके तय। इसी प्रकार से ऊपर की संख्या को यहाँ पर भी जाके तय लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाना है और नीचे की संख्या का भाग नीचे देना है, 3 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जाके ता 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, प्लस चिन्ह जाके ता 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और नीचे 3 जाके ता। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 और प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा और बटे में भी कितने हैं, 3 हैं। और जब भी ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 3 एकम 3, तो 2 के ऊपर हम 1 की पावर लिख सकते हैं, तो 3 एकम 3। अब 2 के ऊपर 1 की पावर का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 को 1 बार लिखना, तो 2 को 1 बार, 2 के ऊपर 1 की पावर का मतलब होता है कि यहाँ पर 2, यदि 2 के ऊपर इस प्रकार से पावर होती कि 2 के ऊपर 2 की घात, तो 2 को हम कितनी बार लिखते, 2 बार लिखते, गुणा करते, लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात है तो यहाँ पर हम 2 को 1 ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 1/3 के ऊपर 5 की घात और यहाँ पर होल पावर 4 की है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात को अलग अलग यहाँ पर लगा लेंगे, 1 के ऊपर 4 की घात लगाएंगे और 3 के ऊपर 5 की घात, तो यहाँ पर हम 4 की घात लगाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 1 के ऊपर 4 की घात लगाएंगे, वटे का चिन्ह, 3 के ऊपर 5 की घात पहले से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 5 की घात पहले से है और इसके ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे, 4 की घात लगाएंगे, क्योंकि 4 की घात 1 के ऊपर भी है और 3 की घात 5 इसी इसके ऊपर भी है, तो यहाँ पर हम 4 की घात इन संख्याओं के ऊपर लगाएंगे। अब इसके बाद 1 के ऊपर 4 की घात का मतलब क्या है, 1 के ऊपर कोई भी घात हो, चाहे वो 0 की घात हो, 1 की घात हो, 100 की भी घात हो, तो 1 के ऊपर कोई भी घात हो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। अब इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, जब भी घात के ऊपर घात हो, आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात के ऊपर घात हो, इस प्रकार से, या आइए हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं, इस प्रकार से जब भी कोई संख्या हो, जैसे मान के चले 2 के ऊपर 4 की घात है और इसके ऊपर 3 की घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2 के ऊपर 4 × 3 इस प्रकार से गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर 4 × 3 = 12, 2 के ऊपर 12 की घात हो जाएगी। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि जब भी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के ऊपर 5 × 4 की घात, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 1 जाके ता बटे में क्या आ जाएगा, 3 जाके ता, यहाँ पर घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 × 4 5 के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 3 के ऊपर 20 की घात को यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 7/1/5 की घात और 7/1/3 की घात। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें तो जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर घातें क्या हैं, भाग में हैं,
जब भी आधार समान हो तो भाग में घात क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर हम आधार को एक ही बार लिखेंगे, आधार यहाँ पर देख सकते हैं कि सात सात, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। और चूंकि आधार क्या है, भाग में है, जब भी आधार समान हो तो भाग में घात क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घातें भाग में हैं, तो घातों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को घटाएंगे, एक बटे पाँच में से एक बटे तीन को यहाँ पर हम माइनस करेंगे, माइनस एक बटे तीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। पाँच और तीन का यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, आइए इसको हम रफ में निकालते हैं कि पाँच और तीन का एलसीएम यहाँ पर कितना होगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से पाँच और तीन का यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाँच और तीन का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तीन का भाग जाएगा, तो तीन का भाग तो पाँच में जाएगा नहीं, तो पाँच जाके था तीन एकम तीन। इसके बाद हम पाँच का भाग करेंगे, तो पाँच एकम पाँच एक जाके था। तो अब इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर गुणा करेंगे, तो तीन गुणित पाँच कितना हो जाएगा, पंद्रह। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पाँच और तीन का एलसीएम कितना होगा, पंद्रह होगा। तो हम सात जाके था लिखेंगे, और यहाँ पर पाँच और तीन का एलसीएम कितना होगा, पंद्रह होगा। तो यहाँ पर हम पंद्रह लिखेंगे। इसके बाद हम ऊपर की संख्या को जांघिता लिखेंगे, पाँच के ऊपर एक संख्या है, एक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, तो पाँच का भाग पंद्रह में करेंगे कितनी बार जाएगा, तीन बार। तो यहाँ पर हम तीन का ऊपर गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह जांघिता, एक लिखा है एक लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम तीन का भाग पंद्रह में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे, जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से यहाँ पर किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ भी हम करेंगे। तो तीन का भाग पंद्रह में कितनी बार जाएगा, पांच बार, ती पाँच ही पंद्रह, पांच बार। तो हम पांच से ऊपर गुणा करेंगे। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो यहाँ पर सात पर एक का गुणा तीन में होगा, तो तीन एकम तीन, माइनस चिन्ह जाके था, एक का गुणा पाँच से होगा, तो यहाँ पर पाँच हो जाएंगे, और नीचे कितने हैं, पंद्रह हैं, तो पंद्रह को हम जाग्रता लिखेंगे। अब इसके बाद ऊपर से हम माइनस करेंगे संख्या को, तो यहाँ पर प्लस के तीन हैं, माइनस के पाँच हैं। तो चूंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो पाँच में से तीन को तो घटाएंगे, लेकिन माइनस के दो यहाँ पर बचेंगे, माइनस दो बटे, और नीचे संख्या क्या है, पंद्रह है, तो यहाँ पर हम पंद्रह लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि 13 के ऊपर एक बटे पाँच की घात इंटू 17 पर एक बटे पाँच की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घातें तो समान हैं और आधार यहाँ पर अलग अलग हैं। जब भी घातें समान हो और आधार अलग अलग हों, तो गुणा में क्या होता है, आधारों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और घात को हम एक बार लिख देते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता कि आधार समान होते और घातें अलग अलग होती, तो हम घातों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो घात को हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर आधार का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 13 गुणे 17, और यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं के ऊपर एक बटे पाँच की घात लगा देंगे। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम 13 और 17 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 221, और एक बटे पाँच की घात जाके था। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस उदाहरण नंबर 21 को कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।